我现在都可以。What will be the current drawn? What will be the current drawn? What will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt? What will be the current drawn by an electric bulb? Electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of when it is connected to a source of 220 volt. ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि इसकी पावर क्या होगी. सर पावर क्या करंट बताना है? व्हाट विल बी द करंट? हां जी, करंट बताना है मेरे को. तो आप ये देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए, जैसे व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट, यानी कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर दे रखी है 40 वॉट, 40 वॉट. ठीक है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो दे रखा है 220 वोल्ट, ये दिया है हमको. ठीक है, और ये पूछ रहे हैं कि आप इसका करंट निकालिएगा. तो करंट निकालने के कैसे, आप ये देखिए पावर है और वोल्टेज है, पावर और वोल्टेज है, तो करंट कौन से रिलेशन से निकलेगा, इस वाले रिलेशन से. तो हम बोलेंगे सिंस ई इज इक्वल टू वी आई, इट इंप्लाइज दैट VI is equal to V, इसको करंट का लिख दीजिए, या I, I कितना हो जाएगा P upon V, it implies that I is equal to power है 40 और वोल्टेज है 220, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22. तो अब I की वैल्यू कितनी आ गई करंट की, 2 upon 11 एम्पीयर, चाहे तो इतना ही छोड़ दीजिए और चाहे तो इसको डिवाइड करके देख लो, जीरो इलेवन वन जा इलेवन नाइन आ गया, 90, इलेवन एट जा 88 टू आ गया. तो आप इसको 0.18 एम्पीयर बोल सकते हो या 2/11 एम्पीयर बोल सकते हो, बताइए. ठीक है, सभी को क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला एक क्वेश्चन देखते हैं. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, 220 वोल्ट एंड 100 watt, 220 volt and 100 watt. ठीक, full stop. When it is operated on 110 volt, when it is operated, when it is operated at 110 volt, the power consumed will be operated at 110 volt, the power consumed पावर कंज्यूम विल बी. अब इसमें देखिएगा, ये पार्ट है 100 वॉट, बी पार्ट है 75 वॉट, सी पार्ट है 50 वॉट और डी पार्ट है 25 वॉट. बी पार्ट है 25 वॉट. अच्छा, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ.
डिफॉल्ट दे रखा है 25 वॉट। मुझे ये बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए। अब हमारे पास ये है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी रेटिंग दे रखी है 220 वोल्ट और 100 वॉट की। इसका मतलब उसकी पावर दे रखी है 100 वॉट और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो दे रखा है 220 वोल्ट। तो V तो दे रखा है 220 वोल्ट और जो पावर है वो दे रखी है 100 वॉट। अब ये बोल रहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, मतलब अब अगर इसको 110 वोल्ट पर, अगर 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाए तो क्या करें, तो पावर कितनी होगी ये पूछ रहे हैं। अगर उसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाए तो जरा देखिएगा, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं कभी भी किसी भी कंपोनेंट की बात करूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बल्ब की बात हो रही है, तो मैं किसी भी बल्ब की अगर बात कर रहा हूँ तो उसमें हमारे पास ना एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि रेसिस्टेंस उसका सेम रहता है। रेसिस्टेंस एक कॉन्स्टेंट टर्म होती है, वो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि एज वी नो दैट P is equal to V square upon R. ये वाला रिलेशन देखिए, P is equal to V square upon R, ये वाला। क्योंकि मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस वो पावर है और पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैं इस रिलेशन से रेसिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी कंपोनेंट का, फिर चाहे आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करो चाहे आप सीरीज में कनेक्ट करो। रेसिस्टेंस कोई बल्ब है, बल्ब का अगर 2 ओम का रेसिस्टेंस है 2 ओम का ही रेसिस्टेंस रहेगा उसको, चाहे सीरीज में कनेक्ट करिए चाहे पैरेलल में कनेक्ट करिए। अब देखिएगा यहां से R इधर आ जाएगा और R की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर और P का मतलब 100। 220 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है बेटा 484, ठीक है। और जीरो है तो 2 जीरो लग जाएंगे और डिनोमिनेटर में है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 484 रेसिस्टेंस, 484 ओम्स, ठीक। अच्छा, अब ये करने के बाद में हम देखते हैं इसमें कि जो नया केस दे रखा है, न्यू केस, नया जो केस है उसमें मुझे दे रखा है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, it is operated at 110 volt, मतलब now voltage is 110 volt, ठीक। तो और resistance मैं calculate कर चुका हूँ, resistance remains fixed, आप voltage कितनी भी रखो, आप current कितना भी रखो, resistance fixed रहता है। Voltage ये है, resistance ये है, वो पूछ रहा है कि अब power consumed कितनी होगी। तो P is equal to V square upon R. V square मतलब 110 का square upon 484. 110 का square मतलब 110 into 110 upon 484. 11 tens of 110 और 11 fours of 44. 48 minus 44 हो गया 4. 44 44. Again 11 fours of 44. 11 tens of 110 और 11 fours of 44. ऊपर आ गया 100. 10 नीचे 4, 425 ये आ गया 25 वॉट। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। बताइए जी क्लियर है दीपांशी? यस सर। ठीक है भव्या, अनमोल क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, शौर्य क्लियर है? शौर्य? यस सर। हाँ ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पावर पे ही बेस्ड है।
देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following does not represent electrical power in a circuit? Which of the following does not represent electrical power in a circuit? Does not represent electrical power in a circuit. Options दे रखे हैं. I square R. A है I square R. B है I R square. C है B I. और D है V square upon R. D है V square upon R. तो ये चार options दे रखे हैं. अब इसमें आप ये देखिएगा कि मुझे तो पावर के सारे फॉर्मूले याद हैं. तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, ये भी ठीक है. बी आई भी होता है V स्क्वायर अपॉन R भी ठीक है. इसका मतलब आई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला गलत है. उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट. ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या है? ऑप्शन बी. आंसर है ऑप्शन बी. ठीक है. अच्छा, इसके बाद में आप नेक्स्ट नोट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब यहां पर हम नोट करेंगे कि जैसे हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेबल, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर. तो जरा नोट करिए, एज वी नो दैट as we know that electric power is equal to work done by electric current work done by electric current upon time taken. Work done by electric current upon time taken, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर की तो यही डेफिनेशन देखी हमने. इलेक्ट्रिक पावर है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन. तो यहां से अगर मैं वर्क डन की बात करूं, इट इंप्लाइज दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट is equal to, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम टेकन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम टेकन. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम टेकन, ये हो गया. फिर हम ये कहेंगे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो वर्क डन
by electric current work done by electric current is equal to electrical energy consumed is equal to electrical energy इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इसका मतलब क्या है देखिए सीधा सीधा देखिएगा कि इलेक्ट्रिक पावर होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन ये हमने सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन थी पावर की वो यही देखेगी कि इलेक्ट्रिक पावर होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन अब टाइम टेकन अगर यहाँ इलेक्ट्रिक पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम टेकन वर्क डन हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन फिर आप लिखेंगे ऑल्सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड के बराबर होता है कैसे होता है जरा ये देखते हैं हमने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है कि वो एनर्जी जो हमारे घरों में आ रही है जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो जो घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे उतना ही तो हम वर्क करेंगे उल्टा बोल दीजिए कि हम वर्क कितना करेंगे जितनी हमारे अंदर एनर्जी होगी तो सीधी सीधी बात है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम वो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जो घर के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी डिराइव करेंगे जितनी भी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी डिराइव करेंगे उतना ही तो वो काम करेंगे तो हमने बोला वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो वर्क डन है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम टेकन क्योंकि वो इधर इसमें किलोवाट आर होता है वो यस 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 मैं भी आऊँ उसी पर आऊँ सर एक बार दोबारा समझा दो समझ नहीं आया मेरे को हमने कहा कि अगर मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कितना काम करेंगे वो उतना ही तो काम करेंगे जितनी उनके अंदर एनर्जी है और एनर्जी वो कहाँ से लेंगे जो इलेक्ट्रिकल लाइन से जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कंज्यूम करेंगे उतने तो काम करेंगे भाई मैं जितनी रोटी खाऊंगा उतने तो काम करूंगा जितनी मेरे अंदर एनर्जी उतनी तो काम करूंगा समझ रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है और दूसरा अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली भी ये चीज बहुत आराम से समझ में आती है वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल्स यस सर और एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल्स इसकी भी यूनिट जूल है इसकी भी यूनिट जूल है इसका मतलब वर्क डन और इलेक्ट्रिक एनर्जी कहीं ना कहीं सेम चीज है तो हमने ये बोला कि सेम तो नहीं है लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जितनी मैं एनर्जी कंज्यूम करूंगा जितनी मैं एनर्जी यूज करूंगा उतना ही मैं काम करूंगा ठीक है अच्छा तो अब हमने कहा कि यहाँ पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट की जगह मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी ले सकता हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम को इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर की जगह मैं सिर्फ पावर लिख रहा हूँ और टाइम टेबल की जगह मैं सिर्फ टाइम लिख रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब ई is equal to P into T, power into time. अब जरा देखिए ये जो power होता है ना power की unit होती है बेटा watt, ठीक है और time की unit होती है joule, sorry second, एक minute hold करिएगा सर वीडियो नहीं आ रही
हाँ जी, तो इसमें हमने ये कहा कि जो पावर होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो नोट करिएगा, इफ यूनिट ऑफ पावर इज इन वॉट्स एंड यूनिट ऑफ टाइम इज इन सेकेंड्स सेकेंड्स देन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी जूल्स। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी जूल्स विल बी जूल्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसी टॉपिक में ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसी टॉपिक में सब टॉपिक डालेंगे, लिखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी commercial unit of electrical energy is kilo watt hours, kilo watt hours, इसको आप शॉर्ट में लिखिएगा kWh, kW मतलब किलो वॉट और h is for hours, kilo watt hours। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कमर्शियली अगर मैं देखूं कि मेरे घर में जो लाइट आती है उसकी यूनिट जो हम बताते हैं वो किस उसमें मेजर करी जाती है, हम ये कहेंगे कि इफ यूनिट ऑफ पावर आपने किलो की स्पेलिंग के ई एल ओ की लिखी है बेटा, के डब्ल्यू स्पेलिंग बोल रहा है, स्पेलिंग के ई एल ओ स्पेलिंग के आई है बेटा, ये आई के आई किलो वॉट डब्ल्यू डब्ल्यू वॉट और आर्स किलो वॉट आर्स। ओके सर, ठीक है, इफ यूनिट ऑफ पावर इज इन किलो वॉट्स एंड यूनिट ऑफ power is in hours, then time unit of excuse me sir, हाँ जी बताइए sir, second line में unit of time is in hours होगा, अरे sorry unit of time ना, unit of time, ठीक है, यूनिट ऑफ पावर इज इन किलोवाट्स एंड यूनिट ऑफ टाइम इज इन आवर्स, देन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी के डब्ल्यू एच किलोवाट आवर्स, वन के डब्ल्यू एच इज इक्वल टू वन यूनिट, ये भी नोट करिए। मतलब अगर आपको पता हो कि घर में जो आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर लगा हुआ है, उस मीटर में जैसे ये कहते हैं कि भाई इस मंथ हमने जो यूज करा, हमने 300 यूनिट्स कंज्यूम करा, 300 यूनिट्स हमने यूज करा, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज करी, 300 किलो वॉट आर। तो वो जो 1 किलो वॉट आर होता है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम अपने घरों में यूज करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले यूज करते हैं, वो अगर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, समझ में आ गया, तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, यस सर, यहां तक नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर मतलब जैसे वो बोलते हैं 300 यूनिट, मतलब वो बोलना चाह रहे हैं 300 किलोवाट उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करी है। हाँ, तो इसका मतलब 300 यूनिट, 300 यूनिट्स। ओके,
आपने सुना होगा ना भाई, जब इलेक्ट्रिसिटी वाले जब घर पे आते हैं और वो मीटर की रीडिंग लेते हैं, वो देखते हैं, तो वो बताते हैं भाई आपने 300 यूनिट्स यूज करी या आपने 400 यूनिट्स यूज करी। तो वो 400 यूनिट्स का मतलब ये है कि आपने 400 किलोवाट आर एनर्जी यूज करी है, इसमें यूज करी अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ओके सर, ठीक है, यस सर, नोट करिए बेटा सभी बच्चे, श्योर है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ जी, मैं इधर कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्वेश्चंस देखते हैं। A current of 4 ampere flows through a 12 volt car headlight flows through a 12 volt a current of 4 ampere flows through a 12 volt car headlight bulb for 10 minutes. Car headlight bulb for 10 minutes. Full stop. How much energy transfer? How much energy transfer? How much energy transfer occurs during this time? How much energy transfer occurs during this time? ये पूछ रहे हैं। A current of 4 ampere flows through a 12 volt car headlight bulb. ठीक है, तो कार की जो हेडलाइट का जो बल्ब है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। अब करंट कितना है 4 एम्पीयर का, तो आई की वैल्यू दे रखी है 4 एम्पीयर, आई इज इक्वल टू 4 एम्पीयर, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वी इज इक्वल टू 12 वोल्ट, और बेटा टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट्स। तो जब मेरे पास वी है और आई है और ये पूछ रहे हैं आप इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर बताइए, एनर्जी ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछ रहे हैं वो। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पावर इनटू टाइम टेकन। तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे पावर, V इज इक्वल टू वी आई, कितना हो गया 12 इंटू 4 यानी कि 48 वॉट्स। ठीक है, और जब भी एनर्जी पूछी जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि किलो वॉट आर यानी कि यूनिट्स में निकाल दें। तो किलो वॉट आर अगर मैं इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करूंगा तो 48/1000, बिल्कुल सिंपल फंडा है कि अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो भी 1000 से डिवाइड। ठीक है, तो किलो का मतलब 1000 होता है, अगर वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड। 48/1000 ये हो गया मेरे पास 0.048 किलो वॉट। करते क्लियर है ये? यस सर। 0.048 किलो वॉट। इसके बाद हमने बोला कि टाइम जो है, टाइम को आप निकालिए आवर्स में, देखा है ना, इफ यूनिट ऑफ पावर इज इन किलोवाट्स, मतलब पावर को किलोवाट में रखिए और टाइम को रखिए आवर्स में। तो टाइम जो है वो टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताएंगे, 60 से डिवाइड, 60 से डिवाइड, तो ये हो गया 1/6 क्या आवर्स।
वन अपॉन सिक्स आवर्स, ये हो गया। अच्छा और रुचिर का आंसर आ गया है 0.008 किलोवाट आवर और दिवस का है 0.8 किलोवाट आवर। चलो मैं चेक करके बताता हूँ कौन सा सही है। ये बता रहे हैं इधर से, देखिएगा अब हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है किलोवाट में 0.048 और टाइम कितना है आवर्स में 1/6 तो 6 0 0 6 0 0 4 तो 6 के टेबल में आता ही नहीं, ठीक है तो 48 हो गया तो 6 8 48 तो 0.008 किलो वॉट आर। रुचिर का आंसर सही है। दिवस चेक करो जरा गलती कैसे हुई, दिवस चेक करिए रुचिर का आंसर। डिवीजन में गलती हो गई, वो एक जीरो लगाना भूल गया। चलिए ठीक है अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड calculate the energy transfer by a 5 ampere current by a 5 ampere current flowing by a 5 ampere current flowing through a resistor of 2 ohms flowing through a resistor flowing through a resistor of 2 ohms for 30 minutes resistor of 2 ohms for 30 minutes Calculate the energy transfer by a 5 ampere current. इसका मतलब क्या है? Current कितना दे रखा है? 5 ampere energy. ठीक है, flowing through a resistance of 2 ohm. Resistance कितना दे रखा है? 2 ohm. और time कितना दे रखा है बेटा? 30 minutes. तो सीधा सीधा है, वो energy transfer पूछ रहे हैं। तो हमारे पास I है और R है। I और R की help से मैं P is equal to I square R वाला formula लगाकर power निकालूं। तो देखिएगा P is equal to I square R, I यानी कि 5 का square multiplied by R, 5 का square हो गया 25 into 2 ये हो गया 50 watt। लेकिन मेरा टारगेट क्या है, मैं तो इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 50/1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया 0.05 किलो वॉट। दिखाई दे रहा है सभी को 0.05 किलो वॉट। ठीक है हाँ जी बेटा क्लियर है। प्रांजल लक्ष्य है? यस सर क्लियर है। यस सर यस सर ठीक है ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। पावर आ गई 0.05 किलोवाट, इसके बाद टाइम दे रखा है 30 मिनट्स, तो टाइम को कन्वर्ट करेंगे हम आवर्स में। तो टाइम 30 मिनट्स है, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे 30 अपॉन 60 ये हो गया 1/2 आवर्स। पावर आ गया, टाइम आ गया, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम यानी कि 0.05 किलोवाट इनटू टाइम कितना है 1/2 आवर्स। तो ये हो जाएगा 0.025 किलोवाट आवर। ये रुचिर का बिल्कुल ठीक है, रुचिर का ठीक है और दीपांशी का भी ठीक है।
अनमोल 0.25 है सर, वो मैंने गलती से भेज दिया था, दोबारा भेजा है। ठीक है बेटा, ठीक है, हमारा भी सर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेफ्रिजरेटर having a power rating of having a power rating of 350 watts 350 watts operates for 10 hours a day, operates for 10 hours a day. Full stop. Calculate the cost of electrical energy. Calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days. Full stop. The rate of electrical energy. The rate of electrical energy. Electrical energy is ₹3.40 per kilowatt hour. मतलब एक किलोवाट आर की कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी है, ₹3.40, ₹3.40। ठीक है, अच्छा। A refrigerator having a power rating of 350 watts. So refrigerator की power दे रखी है 350 watts. 350 watt को सबसे पहले आपने convert करना होगा kilowatt में. देखिएगा. पावर है 350 वॉट, इसको कन्वर्ट करिए किलोवाट में, 350 upon 1000 किलोवाट, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 35 upon 100 किलोवाट हो जाएगा, यानी कि मैं इसको क्या बोलूंगा, 0.35 किलोवाट, ये तो पावर होगी। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने कहा कि रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे, तो एक दिन में वो 10 घंटे चलता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, तो पूरे महीने वो 30 दिन तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, वो एक दिन में चलता है 10 घंटा, तो वो 30 दिन में कितना चलेगा, 30 × 10। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि time or one day, एक दिन का टाइम कितना है, एक दिन में कितने टाइम तक चल रहा है वो रेफ्रिजरेटर, 10 hours, तो टाइम टेकन इन 30 days, 30 days में कितना टाइम लेगा, 30 × 10 यानी कि 300 hours, तो पावर हो गया 0.35 किलोवाट और टाइम हो गया 300 आवर्स, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी कैपिटल ई इज इक्वल टू पी इंटू डी, बेटा पावर हो गया 0.35 और टाइम कितना हो गया 300, यहाँ पॉइंट गया तो नीचे 100 आया, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 3 × 35, 3 × 5 = 50, 3 × 3 = 9 और 1,
and 105 किलो वॉट आर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी हो गई 105 किलो वॉट आर, ये हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इन्होंने बोला है कि 1 किलो वॉट आर के लिए रुपीज 3.40 देने पड़ते हैं, तो 105 किलो वॉट आर के लिए कितना देना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, ठीक है। तो इसमें हम ये कहेंगे चार्ज फॉर, चार्जेस फॉर 1 किलो वॉट आर के लिए चार्जेस कितने हैं? 3.40, ठीक है, 3.40। तो अब जो है चार्जेस फॉर 105 किलो वॉट आर के लिए कितना हो गया? 3.40 × 105। पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, कई बच्चों ने निकाल दिया है, रुचिर ने, अनमोल ने और यश ने, 357 है इसका आंसर, 357 रुपीज। अनमोल यूनिट ठीक करिए। ओके सर। हाँ, यूनिट जो है किलो वॉट आर नहीं होगी, रुपीज होगी, क्योंकि कॉस्ट पूछी जा रही है। तो 34 upon 10 × 105 ये कैलकुलेट करके आप चेक करिएगा, ये आएगा रुपीज 357। ठीक है, तो सभी का लगभग जिन्होंने भी करा बच्चों का सबका ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बल्ब इज रेटेड है, ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं नव्या क्लियर है ये? नव्या क्लियर है? नव्या, कृष्णांशी आवाज नहीं आ रही होगी दोनों को? नेट हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई हो कुछ? चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन। बल्ब इज रेटेड है बल्ब इज रेटेड एट 200 volt dash 100 watt, full stop, what is its resistance? Five such bulbs burn for 4 hours. Five such bulbs burn for four hours. Full stop. What is the electrical energy consumed? What is the electrical energy consumed? Question mark. फिर ये पूछ रहे हैं, calculate the cost if the rate is rupees 4.60 per unit. मुझे कैलकुलेट करनी है इसकी कॉस्ट, अगर उसका रेट दे रखा हो 4 rupees 60 paisa, हाँ जी क्वेश्चन क्लियर है विदुषी? यस सर। अनुभव? यस सर क्लियर है। ठीक है जी, तो जरा देखिएगा
A bulb is rated at 200 volt and 200 watt. एक बल्ब है उसकी वोल्टेज दे रखी है 200 वोल्ट और पावर दे रखी है 100 वॉट. व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस? वो रेसिस्टेंस पूछ रहे हैं. हमें मालूम है, लिखिएगा, वी नो दैट, वी नो दैट E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. इट इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P. मतलब R is equal to V square, क्या हो जाएगा? 200 का square upon power कितना है? 100. मैं इधर कर रहा हूं आगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास R is equal to 200 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 और इसमें दो जीरो हैं. तो जब स्क्वायर होता है ऐसे दो जीरो होते हैं तो दो के डबल हो जाते हैं, तीन जीरो होते हैं तो तीन के डबल, चार होते हैं तो चार के डबल, एक होता तो एक के डबल. तो जैसे दो जीरो है तो दो के डबल कितने हो गए? चार. इसका मतलब चार जीरो आ जाएंगे, एक दो तीन चार अपॉन नीचे है 100. दो जीरो से दो जीरो कट गया तो रेसिस्टेंस आ गया 400 ओम. बिल्कुल सही है रुचिर का. चलो जी, अच्छा रुचिर ने एनर्जी भी निकाल दी है. चलिए ठीक है, मैं अभी देखता हूँ बेटा. अब देखिएगा, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम. लेकिन इन्होंने ये बोला है 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स. ठीक है, तो मैं पहले एक बल्ब की एनर्जी निकाल लेता हूँ. तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ वन बल्ब, एक बल्ब की इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी? मेरे पास देखिए R है और मेरे पास V है. ठीक, नहीं पावर लीजिए, पावर आर की भी जरूरत नहीं है. उन्होंने बोला है 4 आवर्स, ठीक है 4 घंटे के लिए. तो ये हो गया पावर इनटू टाइम टेकर. तो पावर कितनी है? 100 वॉट. तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? 100 अपॉन 1000, क्योंकि किलोवाट में कन्वर्ट करना है. और टाइम कितना दे रखा है? 4 आवर्स. ये देखिए, ये दे रखा है टाइम 4 आवर्स. ये हो गया 4, दो जीरो से ये दो जीरो कट गए. 4 अपॉन 10 मतलब 0.4 किलोवाट आर. ठीक है, ये हो गया एक बल्ब का. लेकिन उन्होंने बोला है कि कितने बल्ब जल रहे हैं? उन्होंने बोला 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स. चार बल्ब जलते हैं, पांच बल्ब जलते हैं 4 घंटे तक. ठीक है, तो जरा देखिएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ कितने बल्ब्स? 5 बल्ब्स. एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 0.4 इंटू 5 मतलब 2 किलोवाट आवर. ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने कहा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द रेट इज रुपीज 4.60 पर यूनिट. 4.60 पर यूनिट, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ वन यूनिट. वन यूनिट का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 किलोवाट आवर. कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू रुपीज 4.60. तो कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, मतलब 2 यूनिट्स क्या हो गया? 2 किलोवाट आवर है, इसीलिए तो 2 यूनिट्स बोल रहा हूँ मैं. तो 2 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4.60 इंटू 2. 2 0 0 2 6 12 1 carry आ गया 2 4 8 और 1 9 is 9.20. समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes sir. ठीक है,
अनमोल का भी ठीक है, यश का भी ठीक है, रुचिर का भी ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद जो है बस जी, इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और मुझे लगता है बस एक ही क्लास और लगेगी जहां तक है। मेरे वाला क्वेश्चन भी समझा दो। सुनो अनमोल, अभी मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ तुम्हारा वाला सॉल्व करके भेज देता हूँ तुम्हें। हाँ ऐसा कर दो, अगर समझ में आ जाए उसमें तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछना मेरे से। ओके सर, ठीक है, मैं सॉल्व करके भेजूंगा, लेकिन 10:30 बजे के बाद भेजूंगा जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। नहीं सर, मैं जागे रहता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके सर, ठीक है जी बेटा, ओके सर, नमस्ते सर, ओके नमस्ते, थैंक यू सर, ओके ओके, बाय सर, बाय बाय सर, राम राम, राम राम जी, राम राम। थैंक यू सर, ओके ओके।